एनसीईआरटी 9th क्लास सब्जेक्ट साइंस का हम अध्याय एक कर रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर के हम जो पाठ के प्रश्नोत्तर हम पहले ही कर चुके हैं, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बाकी जो अभ्यास का प्रश्न नंबर 6 है, इसमें आपसे पूछा गया है पुष्टि हेतु कारण दें। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है, जो जल होता है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कमरे का तापमान इतना कम होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और जल का जो जमना शुरू होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तापमान। जब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पर जल द्रव अवस्था में पाया जाएगा, तो यही इसका कारण है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, तो जो लोहे की अलमारी होती है वो कमरे के ताप पर ठोस इसलिए होती है, जो लोहा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है जो कि कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। कमरे का ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बल्कि जो लोहा है उसको बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए द्रव में बदलने के लिए। इसका मतलब लोहे कमरे का ताप 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हुए इसका जो अवस्था है वो ठोस ही रहेगी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 273 पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इसका आंसर है आपका, बर्फ़ तथा जल आसपास के ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। जो बर्फ़ होती है और जो जल होता है वो आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं, जिससे आसपास का तापमान कम होकर शीतलता का अनुभव होता है। वो ऊष्मा ग्रहण कर लेंगे, जैसे हमारे शरीर पर बर्फ़ लगाई जाए या जल लगाया जाए तो हमारे जो शरीर की ऊष्मा है उसको ग्रहण कर लेती है बर्फ़ और जल। इसका मतलब जो ऊष्मा को हमारे शरीर से वो खींच रही है, इसका मतलब हुआ इससे हमारे शरीर का तापमान कम होगा और हमें ठंडक का महसूस होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? जो भाप होती है, भाप में हमसे जलन अधिक होती है। अगर भाप हमारे शरीर पर गराई जाए तो इससे हमको जलन अधिक महसूस होगी, क्योंकि इसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है भाप में, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है छुपी हुई ऊष्मा। जो भाप होती है उसमें गुप्त ऊष्मा यानी कि छुपी हुई ऊष्मा अधिक होती है, इसी के कारण भाप में अधिक जलन और महसूस होती है। ठीक है, यही बताना बस इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आपसे पूछा गया है जो ए है, ए मतलब ये ए ठोस से बदल रहा है द्रव में, ठोस से द्रव में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम गलन। ठोस हो गया जैसे बर्फ, द्रव हो गया पानी। जब बर्फ पानी में बदलती है, मतलब हुआ ठोस द्रव में बदली, तो इसको बोलते हैं हम गलन। ए का हो जाएगा आपका गलन, और बी पॉइंट कहाँ है? बी पॉइंट जहाँ पर है, बी पॉइंट में पूछा है कि गैस जब द्रव में बदलती है, गैस हो गई जैसे भाप के गन, और द्रव हो गई पानी। जब भाप पानी में बदलती है तो इसको बोलते हैं गैस, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती सी लग रही है मेरे को, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक मिनट हम सी पार्ट को देख लेते हैं पहले, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है। जब वाष्पीकरण का मतलब होता है जब द्रव गैस में बदलती है, जब गैस द्रव में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं कंडेंस होना, इकट्ठा होना, कोई कंडेंस इकट्ठा होना, तो यहाँ पर वाष्पीकरण की जगह इकट्ठा होना आएगा। ठीक है, और सी पॉइंट में आपसे पूछा गया सी, जब गैस, ओ हाँ बी वाला जो पॉइंट है, सी में तो इधर की तरफ एरो है आपकी और बी में इधर की तरफ एरो है, तो ये ठीक है आपका, वाष्पीकरण ही होगा इसमें। जब द्रव गैस में बदलेगी तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। अगला जो सी पॉइंट है, इसमें जब गैस द्रव में बदलती है, गैस जैसे होगी भाप और द्रव हो गया पानी, जब भाप पानी में बदलती है यानी गैस द्रव में बदलती है तो इसको बोलते हैं हम द्रवण। इसके बाद पॉइंट है डी, डी पॉइंट में पूछा गया है जब
द्रव ठोस में बदलती है, जब द्रव ठोस में बदलती है तो इसको बोलते हैं हम जमना। जब पानी, द्रव मतलब पानी, जब ये ठोस में बदलेगी तो इसको बोलेंगे हम जमना, सॉलिडिफिकेशन, जमना किसी प्रक्रिया का, ठीक है। या संलयन, संलयन का मतलब जुड़ना, जमना, ठीक है। इसके बाद जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट में आपसे पूछा गया है, ये वाला आपका ई पॉइंट है। ई पॉइंट में है ठोस जब गैस में बदलती है, ठोस जब गैस में, ठोस मतलब जैसे हो गया जो हम ओडोनिल वगैरह यूज़ करते हैं, ओडोनिल को हम टॉयलेट में रखते हैं, तो ओडोनिल जो सॉलिड होती है, ठोस होती है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। इसके बाद जो एफ है, एफ में आपसे पूछा गया है जब गैस ठोस में बदल जाए तो इसको बोलते हैं दृढ़ीकरण। क्या बोलते हैं? दृढ़ीकरण। इंग्लिश में हम बोलते हैं डिपोजिशन, गैस को डिपोजिट करना, दृढ़ करना किसी जगह पर। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर लौटेंगे एक नए चैप्टर के साथ।